किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बात की जानकारी दी तो उस पोस्ट को राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने भी हाथों हाथ शेयर किया और उस पर कैप्शन दिया कि दिल जीत लिया। क्या वाकई में भारत रत्न देने के बाद भाजपा ने दिल जीता है? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हम सहारनपुर के रामनगर इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनके एक चौपाल भी लगी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अरुण राणा हैं जो कि किसान नेता हैं। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी साहब चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? भाई, सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। कुछ काम तो सरकार के लिए बढ़िया और कुछ काम करे ऐसे। यू काम तो सरकार ने बहुत पहले कर देना चाहिए था। चौधरी चरण सिंह जी वास्तव में किसान मसीहा और उनके बाद में ये महेंद्र टिकैत, चौधरी महेंद्र टिकैत, तो ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हालांकि कुछ स्वार्थ पूर्ति में भी सरकार ने कराया, पर देर आए दुरुस्त आए चाहे किसी भी उससे किया है सरकार ने। किसानों की याद रखा, इसके लिए सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का धन्यवाद, और भाई योगी सरकार का भी यूपी में बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी बढ़िया काम कर रहे। और सरकार ने ये इन्हें जो भारत रत्न दिया है चौधरी चरण सिंह जी को मरणोपरांत, ये बहुत ही खुशी की बात है। इसके हम समर्थन करते हैं और सरकार का धन्यवाद करते हैं। जैसे कि खबर सामने आ रही है कि आरएलडी जो है वो भाजपा के साथ हाथ मिलाने वाली है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं है, क्या समझते हैं आप? भाई देखो, हम पहले कह रहे भाई चाहे देर से आए चाहे कैसे भी दिया, हमने यह चीज़ कह दी कि भाई ये स्वार्थ में दिया या किसी भी, ये उनका हक बनता है चौधरी चरण सिंह जी का। और जयंत भाजपा की तरफ जा रहे तो अच्छी बात है, इसमें भी कुछ किसानों का हित छुपा होगा, क्योंकि जयंत भी किसान बेल्ट से हम हैं और किसानों की बात करते हैं, किसानों की बात उठाते हैं और किसानों का साथ भी दे हैं, तो ये भी इसमें कोई हर्जा नहीं है। अगर वो इस दबाव में भी दिया है सरकार ने तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आप क्या कहते हैं इस पर जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न सरकार देने जा रही है? बहुत अच्छा किया सरकार ने, मतलब चौधरी चरण सिंह देना मैं किसानों को ध्यान में रखते थे और मतलब किसानों को मतलब गन्ने का भाव दिलवाते थे, नाई का भाव बढ़िया दिलवाते थे, हर बात का ध्यान रखते थे। बहुत अच्छा किया योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने, उनका धन्यवाद। ठीक है, और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न सरकार देने जा रही है? चरण सिंह सरकार बढ़िया चलाई और किसानों के लिए बढ़िया काम किया उन्होंने, ठीक किया। आपका क्या कहना है? देखो, आज प्रदेश में कह लो, देश में कह लो, चौधरी चरण सिंह जी का पहले से ही बहुत नाम था और उन्होंने ही किसानों की पहचान बनाई, उन्होंने ही किसानों की फसल के लिए किसानों को जागरूक करके खड़े किए हैं और उनके पुत्र वगैरह सारे आज इसी किसानों की ही लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा सरकार ने एक सराहनीय कार्य किया है कि जो ये भारत रत्न पुरस्कार बहुत दिन पहले दे देना चाहिए था। चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और हम इस सरकार के, दोनों ही सरकारों के, प्रदेश की भी और देश की सरकार से दोनों से ही संतुष्ट हैं कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है, धन्यवाद जी। क्या लगता है आपको कि चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के बाद पश्चिम की राजनीति में कोई फर्क पड़ेगा? देखो जी, पश्चिम की इसमें 100% फर्क पड़ेगा, बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। इस बार जो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर सीट चली भी जाती, अब एक भी सीट नहीं जा पाएगी। अब तो या तो रालोद लेगा या बीजेपी, सारी सीट इन्हीं को जानी है जी, चाहे कितना ही कोई जोर लगा रहे, ना कांग्रेस को मिले और ना सपा को मिले जी, ना बसपा को मिले। ठीक है, अब क्या कहेंगे आप इस पर जो चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जा रहा है? ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ चुनावी स्टंट है जी। और जिस तरीके चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है, अगर जयंत चौधरी भाजपा में जाते हैं तो जयंत चौधरी को डंडे भी याद रखने चाहिए योगी के, जो हाथरस और मथुरा के अंदर पड़े थे। और ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं, मैं समझता हूँ कि, और जयंत चौधरी जी अगर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो एक फिरकापरस्त ताकतों के साथ जा रहे हैं और उन्होंने साबित कर दिया कि मैंने घुटने टेक दिए, और समाजवादी पार्टी ही विपक्ष है यहाँ पर और जनता समाजवादी पार्टी का साथ देगी। ठीक है, अरुण राणा जी, क्या लगता है कि पश्चिम की राजनीति अब
में क्या कुछ होएगा इस तरह भाई, इसमें बीजेपी को सुद्धा सुद्धा फायदा जाएगा खुल करके, जो जाट उसके खिलाफ था अब वो उसके फेवर में, क्योंकि ये एक बिरादरी को भी दिया है, और वो किसान जो चौधरी चरण सिंह जी थे वे किसी एक बिरादरी के नहीं थे, वे किसान के मसीहा थे, तो इसका फर्क इन्हें लाभ मिलेगा इस बात का। और चौधरी चरण सिंह जी ने जो ये लेखपालों की तानाशाही थी, पटवारगिरी पटवारी कहते, वो लेखपाल शब्द भी वहीं लाए थे, उन्होंने ही लेखपाल बनाया था, और इनके पटवारियों के पर कतरे थे, और किसान हित में सबसे बड़ा काम उन्होंने सबसे पहले यही किया था, तो इसका फर्क बीजेपी सरकार को लाभ मिलेगा। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं जो काफ़ी खुश हैं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न जो मिलने जा रहा है उसको लेकर, ये काफ़ी खुश हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक दिए हैं, उनकी पॉलिटिक्स कुछ अलग तरह की रही। हालांकि साफ तौर पर लोग यही मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में इस भारत रत्न को देने का जो सीधा फायदा है वो भाजपा को भी मिलेगा, साथ ही साथ जो RLD और जो भाजपा से कुछ जो जाट नाराज थे वो कहीं ना कहीं फिर से इनके साथ जुड़ेंगे भी। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।